दोस्तों आपके प्रिय चैनल पे बाइक एंड कार मसाला। तो ये है एपिसोड 2 लद्दाख के लिए। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। फर्स्ट एपिसोड में मैं अपने घर से अमृतसर तक आया था, वो वाला व्लॉग आप जरूर चेक करना। चलो राइड शुरू होती है अपनी, ठीक है भाई। हमारे बुलेट राजा भैया। अरे पानी ही पानी, कल बारिश बहुत हुई है यार, बेहद बारिश हुई है। मुझे तो लगा था अभी आज भी ना बारिश हो जाए तो सारे राइड कैंसिल हो जाती, अभी के लिए पोस्टपोन हो जाती, कैंसिल भी ना होती। पटाला, गुरदासपुर एंड पठानकोट, और हमने अब जाना है सीधा सीधा, आई डोंट नो, लेट मी चेक। हाँ सीधा ही जाना है। ओ ये पहला टोल प्लाजा, अपनी गाड़ी यहाँ से भी लगता क्रॉस कर चुकी है। जब मैंने राजपुरा रोड के ऊपर पेट्रोल डलवाया था तब मैंने इसका ट्रिप मीटर ज़ीरो किया था। अभी राइट नाउ मैं 255 किलोमीटर चल चुका हूँ, मतलब राजपुरा रोड के ऊपर से मैंने ट्रिप किया था। मतलब उससे पहले अगर मैं अपना घर लगाऊँ तो 70 किलोमीटर आराम नियर अबाउट पड़ता है, तो उसको हम बाद में प्लस कर देंगे। अभी राइट नाउ 255 किलोमीटर है ट्रिप ए में, तो अभी देखिए टोटल राइड कितने किलोमीटर की हमारी होती है। वैसे मैं अप्रॉक्सीमेट 2000 किलोमीटर लेके चल रहा हूँ, बट लेट सी कि कितने किलोमीटर की राइड होती है हमारी। तो थोड़ा सा खींचने का मन कर रहा है, बट अब पंजाब पुलिस दिख रही है मैंने, मैं क्या थोड़ा जहा स्लो ही कर लिए, कितने साढ़े चलान इतने कर देना है भाई। मौसम जहर है, स्लो भी चला सकते हैं ऐसे मौसम में, जब धूप होती है ना तब ये बाइक बिल्कुल स्लो चलाने का मन नहीं करता, मन करता है इनको उड़ाएं बस और पहुंच जाएं अपनी जगह पे जहाँ जाना है। अरे अल्टीमेट भगा रखा था बुलेट, पूरा फायर फुल फायर था आज। आज मैं 106 पे था, ये 110, आपसे भी ज़्यादा तेज भगा रहे थे, बहुत भगा रहे हैं आज। रूम पे इसका पेट्रोल क्वालिटी बहुत अच्छा है। रोनिन को मार्केट में कोई नहीं जानता ना, मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ। कौन नहीं, बहुत बिकती है चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में अच्छी खासी बिकती है भाई की। पूरा बिहार यूपी उधर से नोएडा वोएडा से आया था, फोन से व्यू चेक करो गाइस, व्यू भाई, इतनी रात को टनल। ये कौन सी जगह सलमान भाई है, बल्ली नाला। इट्स अ डे थर्ड, तीसरा दिन है दोस्तों। अभी यहाँ हम इस होटल में रुके थे एंड ये व्यू है यहाँ का। अब हमने सीधा कश्मीर रुकना है वाले होंगे। अभी आ गए टनल, बाकी बातें छोड़ता हूँ, टनल पे फोकस करता हूँ भाई, नज़ारा तो असली यहाँ पे आने वाला है। अब देखो इस टनल में दिख भी कुछ नहीं रहा साला। सेंस तो नहीं है, आपको तो देखना पड़ेगा खुली आंखों से। ओ
भाई बहुत लंबा टनल है शायद। बहुत लंबा टनल है, बहुत लंबा। करने वाला रोशनी बहुत कम है भाई यार, ये ब्राइटली भगा नहीं रहा। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मुझे इस टनल में ना, लाइटिंग बहुत कम है एंड मेरी आई थिंक लाइट भी बहुत कम वर्क कर रही है। सीधे जाना ना, ये चीजें होती हैं। जब कॉन्फिडेंस ना आए तो कभी मत भगाओ बाइक को। अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि इस जगह के लिए श्योर हो आप अपनी बाइक कंट्रोल कर सकते हो तो ही भगाओ। ये नहीं है कि देखा जाएगा जो होगा, नहीं, कभी भी नहीं। समझ नहीं आ रहा, हेलमेट का वाइजर खोलो तो एग्जॉस्ट का साउंड। हाँ यार मन कर रहा है 200 लगा दूं। लगता है कुछ बाइकर जा रहे हैं। लाइटें भी काम नहीं कर रही हैं बाइक की, हल्का सा डस्टी सा है यार अंदर ना, अभी तक क्लियर नहीं है, धुंधला धुंधला नजर आ रहा सब। सर्वाइव करना बहुत टफ लग रहा मुझे यहाँ पे भाई 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 भाई। मैं आगे वाली गाड़ियों को पकड़ लिया भाई, इन्होंने इतनी देर पीछे रोका था उनको भी पकड़ लिया। तो भाई बेक ऑफ होके चला रहा हूँ मैं, पता चले आगे चलान कट रहा है मेरा। यहाँ पे भीड़ हो जाती होगी तभी उन्होंने पीछे रोका, यहाँ पे भीड़ हो जाती होगी क्योंकि एक लाइन में इतनी सारी कार्स हैं।
यहाँ दोस्त के पैसे वसूला भाई। फाइनली बाहर आ गए भाई, बहुत लंबी थी। अभी मैं बहुत टायर्ड हूँ राइट नाउ। क्या मैं अभी यहीं पे रुक रहा हूँ, ये लक्ष्मी रिसोर्ट है यहाँ पे। कौन सा लक्ष्मी रिसोर्ट? वही लक्ष्मी रिसोर्ट, लक्ष्मी लक्ष्मी रिसोर्ट। हाँ हाँ ये रहा। हाँ जानते हो? अरे अरे क्या बात है, चल छोड़ क्या। थैंक यू।